नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बीजेपी पर जमकर बरसे सिद्धू, कहा मेरे लिए पंजाब सबसे ऊपर, मोदी लहर ने विरोधियों के साथ मुझे भी डुबो दिया, भावी रणनीति पर नहीं खोले पत्ते। बैंकों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को थमाया नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जवाब, बैंकों के 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्टर है विजय माल्या। आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने पीएम को बताया गंदी राजनीति का सर्वे सर्वा, कहा चाहे तो आज केजरीवाल को अरेस्ट कर ले। रियो ओलंपिक में भारतीय उम्मीदों को एक और बड़ा झटका, नरसिंह के रूममेट संदीप भी डोप टेस्ट में फेल, भारतीय कुश्ती महासंघ ने जताया साजिश का शक। और सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, उज्जैन में महाकाल की हुई भस्म आरती, वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में बम बम भोले की गूंज। पूर्व क्रिकेटर और सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार राज्यसभा से अपने इस्तीफे को लेकर चुप्पी तोड़ दी। सोमवार को बीजेपी नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके लिए पंजाब से बड़ा कुछ नहीं है, पंजाब उनका घर है, लेकिन उन्हें दिल्ली से ऑर्डर आया कि पंजाब से दूर रहो। सिद्धू ने कहा कि इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने कहा दुनिया की कोई भी पार्टी पंजाब से ऊपर नहीं है, अगर ये पहली बार होता तो मैं सहन कर जाता, लेकिन तीसरी चौथी बार ऐसा हुआ। सिद्धू को तब पंजाब से चुनाव लड़ने बोला जब विरोधी लहर थी, सिद्धू जीता, लोगों ने विश्वास किया और 4 बार मौका दिया, लेकिन जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी डूबे ही, सिद्धू को भी डुबो दिया। सावन का पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ, भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना हो रही है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ हो या फिर उज्जैन के महाकाल या फिर हो देवघर के भोले बाबा, सभी जगहों पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। इसके साथ ही हर शहर में शिवालयों पर भी भक्त उमड़े हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूरी विधि विधान से महाकाल की भस्म आरती हुई, फिर पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के लिए भक्त उमड़े हुए हैं। दिल्ली के पास गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में भी पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। इसके साथ ही झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर विदेश भाग चुके कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बैंकों के समूह की तरफ से दायर अवमानना याचिका पर माल्या को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में बैंकों के समूह ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद माल्या ने अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया, ये कोर्ट की अवमानना है, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या से उनकी संपत्ति का सील बंद लिफाफे में ब्यौरा मांगा था। बैंकों के समूह ने हाल ही आरोप लगाया था कि माल्या मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बता दें कि विजय माल्या इस वक्त ब्रिटेन में है और फिलहाल उनके भारत वापसी के कोई आसार नहीं लगते। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप नेताओं की गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए पार्टी के दिग्गज नेता आशुतोष ने सोमवार को कहा कि केंद्र से दिल्ली का हक मांगना धर्म युद्ध है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आप किसी से नहीं डरती, बीजेपी चाहे तो कल की बजाय आज ही संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दे। आप नेताओं की गिरफ्तारी पर आशुतोष ने आगे कहा, गुजरात, गोवा, पंजाब, हिमाचल में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आपको फंसा रहे हैं। हम लोगों ने घर में कह दिया है कि किसी भी दिन पुलिस आकर आशुतोष को गिरफ्तार कर सकती है, गंदे आरोप लगाए जा सकते हैं। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि घबराना मत, मोदी जी इस गंदी राजनीति के सर्वे सर्वा है, हम इससे नहीं डरते हैं, कल की बजाय आज संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। रियो ओलंपिक में भारतीय उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा है। पहलवान नरसिंह यादव के बाद ग्रीको रोमन में 66 किलो भार वर्ग में भारत की दावेदारी पेश करने वाले पहलवान संदीप तुलसी यादव भी डोप की फांस में फंस गए हैं। साई सेंटर सोनीपत में नरसिंह यादव के कमरे में रहने वाले संदीप यादव के भी डोप टेस्ट में नाकाम रहने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ ने कहा कि इससे शक पक्का हो गया है कि इसमें कोई साजिश हुई है। लगातार दो पहलवानों के डोप में फंसने के बाद हर कोई सकते में है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने कहा शिविर में नरसिंह के रूममेट को भी उसी पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया, जिसे साफ पता चलता है कि ये साजिश है।
दोनों पहलवान रूममेट होने की वजह से एक ही सप्लीमेंट ले रहे थे। इसके अलावा संघ ने कहा कि उसके नमूने में स्टेरॉइड की मात्रा काफी ज्यादा मिली है, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। भारत की ओर से चीन के 3 पत्रकारों के वीजा की अवधि बढ़ाने से इनकार किए जाने पर चीन के एक सरकारी अखबार ने हिंदुस्तान को चेतावनी दी है। दैनिक अखबार ने लिखा है कि यदि ये कदम NSG में भारत की सदस्यता हासिल करने की कोशिश में चीन द्वारा उसका साथ ना दिए जाने की प्रतिक्रिया है तो इस बात के गंभीर परिणाम होंगे। द ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि चीन ने NSG में भारत के शामिल होने का विरोध किया, इसलिए भारत अब बदला ले रहा है। यदि नई दिल्ली वाकई NSG सदस्यता के मुद्दे के चलते बदला ले रही है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बता दें कि चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिंहुआ के 3 चीनी पत्रकारों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के संसद वीडियो पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने गहरी चिंता जताई है। सोमवार को स्पीकर ने एक्शन लेते हुए मान के 3 अगस्त तक संसद आने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 1-9 सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला किया गया जो मामले की जाँच करेगी। लोकसभा स्पीकर ने इसके साथ ही भगवंत मान को 26 जुलाई तक कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने को कहा है। कमेटी 3 अगस्त पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये रिपोर्ट बाद में सदन के पटल पर रखी जाएगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, मान को संसद से दूर रहने के लिए कहा गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार की निंदा से जुड़े पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर कहा कि वाकई देश में धुआं छाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा, इस सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों को सरकार से उम्मीद थी। जम्मू कश्मीर में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो हालात है वे ठीक नहीं है। हम सत्ता की नहीं देश की बात करते हैं, इसलिए ये सब सवाल उठा रहे हैं। चाहे सरकार अटल जी की रही हो तब भी बाला साहब ठाकरे सवाल करते थे। अब BJP की अगुवाई में NDA की सरकार है, हम लोग देश के लिए सवाल उठाते रहेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुख्य पात्र सामना में कहा कि BJP हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि देश की तस्वीर साफ नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे फॉग चल रहा है। जोधपुर में चिंकारा शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के लिए सोमवार का दिन बेहद खास साबित हुआ। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सलमान खान को चिंकारा मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। सेशन कोर्ट से अभिनेता को 5 साल कैद की सजा मिली थी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही सलमान को बरी करने का फैसला सुनाया गया। मामले में 12 आरोपी थे जिनमें से 11 को बरी किया जा चुका है। इसका लाभ सलमान को मिला। सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री उनके वकील के साथ जोधपुर हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट के फैसले को बिश्नोई समाज आगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। खबरों के सफर में फिलहाल उतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो TV से। नमस्कार।